अब कुलपति जी मराठी में बोले, बजाज साहब अंग्रेजी में बोले, मैं अगर हिंदी में बोलूं तो खिचड़ी ऐसी पकेगी। संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के जमनालाल बजाज प्रसाद सखी भवन के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ के कुलगुरु डॉक्टर काणी साहब, हमारे अभी आप जिनको सुन रहे थे और जिनके कृपा से, जिनके सहयोग से आज इस भवन की निर्मिति हुई है, निर्माण हुआ है। और ऐसा एक भवन नहीं, वो अनेक भवन बनाते रहते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, क्योंकि उनकी परंपरा ही यही है। आप लोगों को जमलाल लाल बजाज जी के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जो गांधी जी के मैं जानता हो, तो बापू के बारे में जाने और जमलाल लाल जी के और हमारे बिरला के बारे में न जाने तो थोड़ा ज्ञान अधूरा होता है। तो ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं गांधी जी के साथ, वो परंपरा के हैं। तो ऐसे बजाज ग्रुप के श्रीमान शेखर बजाज जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारीगण और अध्यापकगण, सभी उपस्थित भाई और बहनों, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा अवसर है विद्यापीठ का, विश्वविद्यालय का, कि किसी दानी व्यक्ति ने एक साथ 10 कोटी रुपया दे दिया। अगर मुझको कहोगे शेखर बजाज जी कि आप कोश्यारी जी तुम गवर्नर हो, अपनी तनख्वाह में से 10,000 रुपया दो, तो मुझे सोचना पड़ेगा, हिसाब लगाना पड़ता है कि कितना क्या खर्चा हो है? और आपने 10 कोटी दे दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने नागपुर विद्यापीठ की थोड़ा भूख बढ़ा दी, क्योंकि अभी तो जस्ट द बिगनिंग ना, इट्स नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगनिंग। तो ये तो शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है। और यदि आप ये जो हमारा एक विश्वविद्यालय का नाम भी बहुत अच्छे संत के नाम से दिया गया है, राष्ट्र संत गुरुजी महाराज बहुत ही अच्छे संत थे, मैंने उनको सुना है 1966 में प्रयाग का विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन था, तो वहाँ मैंने संत तुकड़ोजी महाराज को सुना 1966 में, बहुत से तो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो बहुत श्रद्धा जागृत होती है ऐसे संतों के प्रति, और संतों से भी अधिक अगर संत प्रवृत्ति का उद्योगपति है तो वो तो वैसे ही वंदनीय है, पूजनीय है। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है, एक श्लोक है संस्कृत वाले ज्यादा जानते होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, अंत में कहता है क्या, खलस साधो विपरीत में तद दाना ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। 3 शक्तियां हैं विद्या, दूसरी शक्ति है धन, और तीसरी शक्ति है शारीरिक शक्ति। तो नीतिकार कहता है खल और साधु, जो दुष्ट है और जो साधु है, इन दोनों में क्या अंतर है? अगर दुष्ट है उसके पास अगर विद्या होगी तो किस काम के लिए होगी? विवाद के लिए, डिस्कशन करता रहेगा, बोलता रहेगा, टांग खींचता रहेगा, कहेगा नहीं ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे ही विवाद करता रहा। और यदि खल के पास, दुष्ट आदमी के पास यदि धन है तो क्या करेगा? वो अहंकार है, देखो मेरे पास इतना है, देखे तेरे को तो मैं खरीद लूंगा जी। आप से कोई बोलते होगे कभी कभी किसी से होता है? तो मद के लिए, घमंड के लिए, अहंकार के लिए धन है तो अहंकार के लिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीटन आयो, और ताकत तो किसके लिए? भला करने के लिए नहीं,
पर पीट ना यार, दूसरे को तकलीफ दो, कष्ट दो। तो जिसको अंग्रेजी में कहते सैडिस्ट प्लेजर, दूसरे को दुख देने में आनंद आता, मजा आता। तो ये किसके है? ये खल का, ये दुष्ट के लक्षण है ये। और जो संत है, सज्जन है, अच्छा है, उसका क्या है? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। उसकी विद्या किसके लिए है? उसकी नॉलेज किसके लिए है? ये दान देने की या ज्ञान देने के लिए है। विद्या दूसरे को ज्ञान देगी, जितना पड़ेगा, जैसे दीपक से भी दूसरा दीपक जलता है, ऐसे ही अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो एक बात के लिए धनवान तो कंजूसी से रख भी लेगा, पर जो अच्छा ज्ञानवान है, विद्या जिसके पास है, तो दूसरे को देगा, क्योंकि विद्या देने से बढ़ती है। और ज्ञानाय दानाय, अरे ऐसा संत पुरुष यदि उसके पास धन है तो क्या करेगा? राहुल बजाज और शेखर बजाज की तरह से, बोलो जोर से बोलो ना। अरे वो दोबारा नहीं देंगे, धीरे से बोलोगे तो हाँ क्या करेगा यार, लगता खा के नहीं आया आप। तो वो दान दे। और अगर किसी के पास शक्ति है, ताकत है, तो जैसे खल दूसरे को परपीड़न करेगा, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, वो क्या करेगा? वो रक्षा करेगा। आजकल आप देखते हैं कितने दुष्ट हैं, माताओं बहनों की इज्जत खो देते हैं, उनको कितना तंग कर रहे हैं, कैसा कैसा जमाना आ गया है। एक जमाना था जब लोग शिष्ट होते थे, मातृ बहुत पूजा करते थे, छोटी बच्ची लड़की कुंवारी कन्या, आपके घर में भी पूजा होती होगी शेखर साहब कन्याओं की, कभी होती कि नहीं होती? आप तो बहुत बड़े धार्मिक हो है? तो कन्या गौरी कन्या के घर में पूजा होती थी। अब कैसा जमाना आ गया, कैसे कैसे दुष्ट लोग मिलते हैं। तो ताकत क्या? ये परपीडन के लिए है क्या? ताकत है जो कष्ट में, उसकी रक्षा करो तब तो तुम्हारी ताकत है। तो ये हमारे यहां नीतिकारों ने कहा है। बहुत अच्छी चीजें हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है और यहां कुलगुरु से भी निवेदन है कि विद्यार्थियों को कुछ ऐसी चीजें सिखाओ, विद्यार्थियों को ये चीजें सिखानी चाहिए बच्चों के अंदर। ये मैंने कक्षा 6 में पढ़ा था, व्हेन आई वाज ओनली इन 6th बजाज, आई स्टिल माय रिजम फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, तो संस्कृत के जो श्लोक है। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश में आज भी ऐसे दानी लोग हैं जो देश में भला कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हमारा यह सौभाग्य है कि आज देश एक प्रकार से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं आजकल बड़े बड़े बजाज साहब विद्वानों का पढ़ता हूं, जो इकोनॉमिस्ट है, आई नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मेरे भाई को होता नहीं इकोनॉमिस्ट का चाहूंगा, तो पढ़ता हूं कि रिसेशन हो रहा है, घट रहा है, खराब हो रहा है। और मैं जब प्रणब मुखर्जी साहब को मैंने सुना, तो प्रणब मुखर्जी का बयान देख करके मुझे लगा कि इस बुड्ढे में मेरे जैसा कुछ है भाव अंदर से। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा ये छोटा मोटा अप एंड डाउन होता है, बोले इसका अर्थ ये नहीं है कि हम डाउन जा रहे हैं। अरे कितनी बढ़िया सड़कें बन रही हैं, कितने बड़े कॉलेज बन रहे हैं, कितने बड़े यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, कितनी चीजें दुनिया में बन रही, चंद्रमा में जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। और हम सब लोग जितने नागरिक यहां पर है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुलगुरु और यहाँ के प्राध्यापक अपना काम करेंगे करेंगे, परंतु हम सब नागरिक इस समय राष्ट्र के निर्माण में हम किस ढंग से अपना योगदान दे सकते हैं। नीति का वाक्य से शुरू में बोला मैंने, इसलिए उन सिद्धांतों पर चल के, आदर्शों पर चल करके, संत तुकड़ोजी के नाम से ये विद्यापीठ है, विश्वविद्यालय है, ऐसे संतों से प्रेरणा लेकर के अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां हम पीछे रह सकते हैं। इसलिए आज इस अवसर पर
मैं विश्वविद्यालय को, विद्यापीठ को बहुत अधिक बधाई देता हूँ और आदरणीय बजाज साहब का और इनके परिवार का, सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका व्यापार, इनका व्यवसाय, इनकी धन संपदा दिन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहे, जिसके कारण से हमारा समाज भी उसका लाभ उठा सके। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।